इसके अंदर क्या क्या चीजें निकली हैं आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। ये जो मॉडल है ये आपको मार्केट में नहीं मिलता, ये इसका जो बैलेंस है इस टाइम पे आप देख रहे होंगे, इसका बैलेंस मैं बहुत अच्छे से हिला रहा हूं। मगर तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी तरह ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत खास रहने वाला है। एक्चुअली अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर एक हमारा नया गैजेट जुड़ गया है। ये नए गैजेट का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं, DJI ये रोनिन करके SC मॉडल प्रो। मैंने इसको मार्केट से परचेस किया है और ये मैंने कितने में परचेस किया मैं आपको बता दूं, 17,000 रुपये में मैंने इसको परचेस किया है। और जबकि इसका जो नॉर्मल मॉडल आता है सिर्फ SC मॉडल विदाउट प्रो, SC मॉडल जिसपे कि फोकस नहीं होता, तो वो मॉडल भी इसका अराउंड 21-22 हज़ार के अराउंड आता है। तो ये मैंने 17,000 में कैसे परचेस किया मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। और अगर इसकी ऑनलाइन की बात करें, अभी आप जैसे कि देख रहे हैं अमेजोन पे अराउंड ये 70,000 के आसपास का मॉडल है, मगर ये जो मॉडल है ये जो रेट है ये इन्होंने पहले का इसमें अपडेट किया हुआ है। और मार्केट के अंदर ऑनलाइन अगर इसको आप सर्च करेंगे तो ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला जो इस प्राइस में मैंने इसको लिया है। बाकी चलिए हम इसको फटाफट से अनबॉक्स करेंगे, आपका टाइम बिल्कुल भी मैं ख़राब नहीं करूँगा। अनबॉक्स के साथ साथ इसके अंदर क्या क्या कंटेंट निकले वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्या ये प्रोडक्ट वारंटी में है या नहीं है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने को भी मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि आपका पता चलता है कि यार आप सब हमारे साथ हैं। तो चलिए टाइम को बिल्कुल शॉर्ट करते हुए इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस अगर मॉडल की बात करें तो ये इस टाइप का ये बॉक्स दिखता है, इसको फटाफट से हम इसको अनबॉक्स करेंगे। तो अनबॉक्स करने के बाद ये निकलता है कुछ इस टाइप का। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकली हैं आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकली हैं। इसके अंदर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि छोटे से स्क्रू से बताता हूँ मैं, इसके अंदर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसके अंदर ना हो, चाहे इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू क्यों ना हो। क्योंकि इसकी जो इमेजेस है, पहले मैंने इंटरनेट पर सर्च करी थी कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट निकलते हैं, उसके बाद ही मैंने इसको परचेस किया है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ इसको अनबॉक्स करके कि ये कंडीशन किस टाइप की, मैं आपको इसको एक बारी दिखा देता हूँ। और रही सेटअप करने वाली बात तो मैं आपको अपना कैमरा भी सेटअप करके इसके ऊपर दिखाने वाला हूँ। और अगर गिम्बल वाली बात है तो सबसे पहले इसके अंदर देख रहे होंगे ये आपको एक बैटरी दिख रही होगी, जो कि बैटरी इसके अगर चार्जिंग वाली बात करें तो इस टाइम पे फुल चार्ज है। इसकी बैटरी इधर रख देते हैं। और अगर बैटरी के नीचे वाली अगर स्टैंड वाली बात करें तो ये इसमें एक इस टाइप का स्टैंड निकला है। आपको मैं पूरी कंडीशन दिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये थोड़ा भी यूज्ड है। अब ये यहाँ मैंने इसको लगा दिया है, यहाँ लगाने के बाद ये हमारा स्टैंड कंप्लीट यहाँ हो गया, इसको मैंने एक साइड रख दिया यहाँ पर। इसके बाद अब बचता ही हमारा गिम्बल, ये जो गिम्बल है इसको किस तरह से अटैच करना है, हमें इस तरह से यहाँ से अटैच करना है। और ये जो इसके अंदर लॉक दिया है वो ये रहा लॉक। और लॉक के साथ ही मुझे याद आया कि इसके अंदर आप देख रहे होंगे एक फोकस वाला, ये जो मॉडल है ये आपको मार्केट में नहीं मिलता, ये विदाउट फोकस वाला मिलता है, मतलब उसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ ये नहीं होता। एक्स्ट्रा पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जैसे मैंने अभी आपको वो दिखाया वो आता है, फोकस रिंग आती है, ये केबल आती है इस टाइप की। केबल के अलावा भी जैसे कि आप देख रहे हैं एक ये फोकस करने के लिए जो हमारे उस पर लगा होता है लेंस के आगे लगा होता है, ये वो चीज़ आपको दिखने वाली है। इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारी अटैचमेंट होती है, स्क्रू निकलते हैं, स्क्रू के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जैसे कि इधर देख रहे होंगे। ये सब चीज़ें फोकस जब आप यूज़ करेंगे ये सब चीज़ें आपको तब यूज़ में आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं। इसके अंदर हम चाहें तो अपना मोबाइल भी अटैच कर सकते हैं साइड में लगा कर देखने के लिए, यहाँ पर लगा कर देखने के लिए हम इसके अंदर अपना मोबाइल भी अटैच कर सकते हैं। अगर मोबाइल अटैच करना नहीं चाहते, मोबाइल को अगर गिम्बल में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया हमारा ये, तो मैं इसके अंदर अभी ये नहीं लगाने वाला, मैं तो सिर्फ आपको एक बार इसको ऑपरेट करके दिखाने वाला हूँ। और मेन जो हमारी आ जाती है, अब ये आ जाती है हमारी ये प्लेट क्या काम आने वाली है, ये प्लेट जो होती है हमारी ये कैमरे को अटैच करके रखने के लिए काम आने वाली है। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं हम, इसको बाहर निकालने के बाद ये केबल बाहर निकाल लेते हैं हम। ये आप ये देख रहे हैं जब आप फोकस मॉडल लेंगे तो ये आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, आपको इसके साथ मिलने वाला है। अगर आपने फोकस मॉडल नहीं लिया तो ये और अभी जो गिम्बल में लगा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको अलग से लेनी पड़ेंगी, जिसमें कि आपको केबल भी अलग से लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो मुझे मिली है ये केबल वगैरह सब कुछ साथ ही मिली है, मैंने कुछ भी अलग से परचेस नहीं करा, पूरा का पूरा ऐसे ही मैंने इसको परचेस किया है। चलिए इसको एक साइड रख देते हैं। तो गाइज एक्चुअली अभी तक जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो मेरे सोनी A6400 से हो रही थी, अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है सोनी ZV-1 से रिप्लेस कर दिया। एक्चुअली मुझे इसको इसके ऊपर आपको लगा कर दिखाना है तो इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया। इसको कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ इसको लगाने का तरीका।
ये जो चीज़ है ये मैंने इस तरह से इसको लगा के रखा है जिससे कि मेरे को पता रहेगा कि मैं कितना मेरे को बैलेंस और किस साइज़ पे मेरे को इसको रोकना है। इसलिए ये आप देख रहे हैं, और ये जब आपका हो जाएगा मैं आपको पूरी डिटेल में आपको थोड़ा सा इसको समझा भी दूंगा। बस मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आया, DJI वालों ने थोड़ा सा एक इसके अंदर वो भी देना चाहिए था, एक स्क्रू ड्राइवर देना चाहिए था, वो मेरे को कॉइन से इसको टाइट करना पड़ता है इसलिए। तो ये हो गया हमारा इस टाइप से। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो हमारी गिम्बल के जो लॉक देख रहे हैं, ये जो लॉक हैं मतलब इसको अनलॉक करना होगा। अब अनलॉक करने के लिए एक मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लॉक था इसके अंदर, ये अनलॉक किया मैंने, और एक जो देख रहे हैं आप मैंने ये वाला अनलॉक किया। ये अनलॉक करने के बाद, ये अनलॉक हो चुका है, अनलॉक के बाद ये मुझे यहाँ पे इसको वापस लॉक कर देना है। ये अब ये वापस यहाँ पे लॉक हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो इसके अंदर जो रैनो लिखा हुआ है वो स्ट्राइप से मेरे को सीधा दिखना चाहिए, जैसे आप भी देख पा रहे होंगे इस टाइम पे बिल्कुल सीधा दिख रहा है, ये रहा। तो इस टाइप से मुझे इसको यहाँ पे रखना है। और अगर जॉयस्टिक वाली बात है तो जॉयस्टिक हमारे सामने की तरफ इसको रहनी चाहिए। तो ये अभी जो जॉयस्टिक वाली बात है तो जॉयस्टिक को भी हम अनलॉक कर लेते हैं। एक्चुअली अगर गिम्बल मुझे ऐसे चलाना है तो ये जो जॉयस्टिक है ये इस टाइप से यहाँ पर रहनी चाहिए। तो इसको भी यहाँ पर हम इसको लॉक कर देते हैं। ये मैंने इसको भी यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ पर एक पर लगा देना है। अब इसको लगाने के लिए ये जैसे कि देख रहे हैं ये आ गया। अब जो DJI लिखा हुआ है ये मेरी तरफ है। अब इसको बैलेंस वाली बात है तो मैं इसका फटाफट से बैलेंस कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर इसकी बात करें तो इसको मैंने पूरा का पूरा इसको सेटअप कर लिया। अगर सेटअप करने वाली बात है तो मैं आपको बता दूँ, ये जॉयस्टिक मेरी तरफ थी और ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। और इसका लॉक कोई भी नहीं है, सारे के सारे लॉक मैंने इसके ओपन कर रखे हैं। अगर बैलेंस वाली बात है तो आप इसका बैलेंस देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से इसका बैलेंस भी हो गया है। ये देखिए बैलेंस भी इसका बहुत अच्छे से इसका बैलेंस हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, अपने मोबाइल के अंदर क्या करना होगा, एक मुझे इसके अंदर फटाफट से की जो एप्लीकेशन होती है उसको एप्लीकेशन मुझे ओपन कर लेनी है। यहाँ से मैंने इसकी एप्लीकेशन ओपन कर ली है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इसको मुझे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद मुझे इसको फिर कनेक्ट कर लेना है। SC मॉडल आ गया हमारा कनेक्ट। अब ये राउंड राउंड घूम रहा है ये कनेक्ट होने के लिए। अब आ गया हमारा गिम्बल, ये आ गया, और ये इससे हो गया हमारा कनेक्ट। अगर कनेक्ट वाली बात बोलूँ तो इस टाइम पे ये कनेक्ट हो चुका है। और इसको अगर कैलिब्रेशन वाली बात है तो कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। बाकी इसको थोड़ा सा ऐसा होता है कि 15% इस तरफ को झुकाएंगे हम। एक मिनट, अभी जो इसके अंदर बैटरी शो कर रहा है वो 100% शो कर रहा है बैटरी। और तो भाई जैसे मैंने इसको अभी 15-45% तक अगर इसको मैंने इधर टर्न किया तो ये जो हमारी मोटर होती है वो पूरा का पूरा हमारा उसने जो टेस्टिंग थी वो हमारी पास हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, इसको वापस उसी कंडीशन में हमें लेकर आ जाना है। और लेकर आने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि इसको मैं लेफ्ट राइट या जैसे भी कर रहा हूँ ये अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। ये जैसे कि देख रहे हैं ये कैमरा जो बिल्कुल सीधा सीधा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मैं इस कैमरे को ऑन करता हूँ, अपने कैमरे को मैंने ऑन किया, और ऑन करने के बाद अभी आप देख रहे होंगे मैं इसको अपने साइड भी अगर घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुझे देख ले तो ये नहीं देख पा रहा। उसके लिए एक्चुअली मुझे जो मोड चेंज करना होगा वो यहाँ से मुझे मोड चेंज करना है। यहाँ पर एक M का बटन दिया है, उससे मैंने इसका मोड चेंज किया और अब ये मेरी तरफ, इसको अगर मैंने मूव किया तो ये मेरी तरफ देख रहा है। अब मुझे अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो काफ़ी मेरे जो दोस्त होते हैं उनके कैमरे के अंदर ऑप्शन नहीं होता, पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि इस केबल को लगाते हैं उससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होती। मगर मेरे जो सोनी वाला कैमरा है, जैसे ही मैंने इसको बटन को प्रेस किया और ये देखिए स्टार्ट होने लग गया। तो ये था मेरा इसके अंदर जो सपोर्ट करता है, वो इस केबल से ये सपोर्ट करता है। और इसके अंदर अगर अब बैलेंसिंग वाली अगर बात कहें तो इसका जो बैलेंस है इस टाइम पे आप देख रहे होंगे, इसका बैलेंस मैं बहुत अच्छे से हिला रहा हूँ, मगर कैमरा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा। और अगर लेफ्ट ऊपर नीचे अप डाउन वाली बात करें तो अप डाउन से भी नहीं हो रहा, अगर लेफ्ट राइट वाली बात करें लेफ्ट राइट भी नहीं हो रहा। और इसको अगर इस तरह से अगर घुमाने वाली बात है तो उस तरह से अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इजीली मूव हो रहा है। इसके अंदर जो मैंने मोड सेलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर आपको पता नहीं दिख रहा मैं कह नहीं सकता, यहाँ पे सेकंड मोड सेलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर मोड वाली बात आती है तो इसको अगर हम मोड अगर थर्ड पे करेंगे, एक्चुअली इसके अंदर जो मोड होते हैं वो 3 मोड होते हैं। इसको जो मैंने मोड सेलेक्ट किया है, अब इसका मैंने तीसरा मोड इसके अंदर सेलेक्ट किया। अब इसको मैं नीचे करूंगा तो ये नीचे देखेगा, अब आप देख रहे होंगे मैं ऊपर करूंगा तो ये ऊपर देखेगा। और ऐसे देखने के साथ साथ अगर मैं इसको लेफ्ट करूंगा ये लेफ्ट भी देखेगा, और मैं इसको अगर राइट करूंगा ये राइट भी देखेगा। इसके अंदर मैंने तीनों जो मोड होते हैं वो मैंने इसको कस्टम करे हुए इस तरह से, ये मैं इसको यूज़ में ले सकता हूँ। और इसके बाद बैलेंस होने के बाद अगर इसको
कैलिब्रेट वाली बात है तो आप कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, बाकी बैलेंस वगैरह देखो यार जो चीज़ें थी मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर करके दिखा दी हैं। ये देखो एक बैलेंस टेस्ट, एक बैलेंस ये होता है कैलिब्रेट करने के लिए, मैंने यहाँ से इसको दोबारा से कैलिब्रेट कर, अब आप देख रहे होंगे सारी की सारी जो मोटर होती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करने लग जाती हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो इसके अंदर एक रेड कलर का साइन होता है वो आपको दिखेगा, और एक बार जब आप गिम्बल की सेटिंग कर लेंगे तो उसको ना छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छेड़ने से बार बार छेड़ने से प्रॉब्लम आती ही आती है। अब ये मेरा पूरा का पूरा पास हो चुका है, अब मैं इसको जैसे चाहूँ इसको मैं वैसे रोटेट कर सकता हूँ ये रहा। और अगर मेरे को फिर भी चाहना है कि मैं इसको रखे रखे या हाथ में मेरे ये है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार ऊपर क्या हो रहा है, इसको किस तरह से मैं कर सकता हूँ, तो ये देख रहे हैं ये मेरे पास जो ये जॉस्टिक है ना, ये वाली जॉस्टिक, इसकी मदद से मैं इसको ऊपर या नीचे आराम से इजीली कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं, अब लेफ्ट राइट जैसे भी मैं करना चाहूँ उस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। ये तो गाइस अभी तक आपने देखा मैंने आज आपके लिए, तो गाइस अभी तक आपने देखा मैं गिम्बल आपके लिए लेकर आया था और गिम्बल मैंने आपको दिखाया, आखिर ये 17,000 रुपये में मैंने 70,000 वाली चीज़ 17,000 में कैसे मैंने परचेस कर ली। एक्चुअली ये मैंने जो परचेस किया ये मैंने ऑयलेक्स से परचेस किया, ये मुझे पड़ा है 17,000 का। अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो अच्छे से सोच समझ के ऑयलेक्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी इस टाइप के प्रोडक्ट मिल जाए। बाकी आपको बार्गेनिंग वगैरह अगर करनी आती है थोड़ी बहुत, तो आप बार्गेनिंग करके अपना सामने वाले जो रेट बताते हैं उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इनका रेट सेट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में यही था मेरे पास, मैं आपके लिए जल्द से नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अलविदा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बटन भी आ रहा होगा उसको भी दबा लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी कोई अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू।